सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर हाओ ने नॉर्थ ईस्ट रीजनल एकेडमी के स्टूडेंट को ग्रेड 5 एकेडमीज के लिए स्पॉट दे दिया था और सबने अपनी एकेडमीज चूज कर ली थी। मास्टर वेन ने मुचेन को 9 एवंस थंडर ईस्ट रीजनल फॉर्मेशन दी थी और वो उसे फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे, लेकिन तभी मुरियल्म के बॉर्डर पर अटैक हो गया था और दुश्मनों को रोकते हुए जनरल चेन जियोंग की डेथ हो गई थी। फिर अब हम जो को देखते हैं वो बताते हैं कि माउंट मैंगिंग सेक्ट के डर यांग गुई ने अपने साथी डाकुओं के साथ मुरियल्म की बॉर्डर पर अटैक कर दिया। चेन जियोंग ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यांग गुई ने सबके सामने जियोंग को मार दिया। ये बात सुनकर मू फेंग को काफी गुस्सा आता है, जो कहते हैं कि जियोंग के मरने के बाद कोई भी माउंट मैंगिंग सेक्ट के डाकुओं को नहीं रोक पा रहा। वो सब मुरियल्म में आकर लोगों को लूट रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। यहाँ तक कि यांग गुई ने जियोंग की डेड बॉडी सिटी के गेट पर लटका दी है। ये सब बातें सुनकर मुचेन को डार्क एबिस की याद आती है, जब जियोंग स्पीड ईटिंग बीच से उसे बचा रहा था और उसकी मदद कर रहा था। इन सब बातों को याद करके मुचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। वो कहता है कि मैं यांग गुई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मू फेंग कहते हैं कि मैं भी जियोंग की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, पर माउंट मैंगिंग सेक्ट ने अचानक अटैक कर दिया है। मुझे लगता है कि ल्यू रियल में भी उनका साथ दे रहा होगा। जो कहते हैं कि किंगटन माउंट मैंगिंग सेक्ट की पावर का यूज करके मुरियल्म को कमजोर करना चाहता है। अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। मू फेंग कहते हैं कि ल्यू रियल्म इस मामले में हो या ना हो, मगर हम माउंट मैंगिंग सेक्ट को बर्बाद कर देंगे। यांग गुई अभी डिवाइन सोल लेवल में अर्ली स्टेज पर है। अगर मैं और जो साथ मिलकर उसे फाइट करें तो उसे जल्दी हराकर माउंट मैंगिंग सेक्ट को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वक्त किंगटियन ने मुरियल्म पर अटैक कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुचेन मू फेंग से कहता है कि आप मुरियल्म में रुक कर सिचुएशन संभालो, मैं अंकल जो के साथ यांग गुई को मारने के लिए जाऊंगा। हम सैनिकों के साथ मिलकर माउंट मैंगिंग सेक्ट को अपने कब्जे में कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मू फेंग मना कर देते हैं, जो कहते हैं कि मुचेन अब काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है और उसे स्पेशल फॉर्मेशन भी बनानी आती है, ये हमारे काफी काम आएगा। मू फेंग इसके लिए मान जाते हैं। वो मुचेन से कहते हैं कि तुम्हें जो के साथ रहना होगा और उसके सारे ऑर्डर्स मानने होंगे। मुचेन और जो मुरियल के सैनिकों के साथ माउंट मैंगिंग सेक्ट पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो रात को फॉरेस्ट में रुककर आराम करते हैं। मुचेन जो को भी आराम करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं डिवाइन सोल लेवल का कल्टीवेटर हूँ, मैं 10 दिन बिना आराम किए रह सकता हूँ। मुचेन कहता है कि हम माउंट मैंगिंग सेक्ट के पास पहुँच गए हैं और कल हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जो कहते हैं कि मुझे जासूस से खबर मिली है कि यांग गुई और उसके साथी वापस सेक्ट में आ गए हैं, उन्होंने माउंटेन पर अपना कब्जा किया हुआ है। अगर हमने जल्दबाजी में अटैक किया तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। मुचेन पूछता है कि क्या मैंगिंग माउंटेन में कोई दूसरा सेक्ट भी है। जो कहते हैं कि मैंगिंग माउंटेन में माउंट मैंगिंग सेक्ट के अलावा जियो लॉन्ग फोर्टेक्स है। उनका लीडर ली शान डिवाइन सोल लेवल के अर्ली स्टेज पर है। अगर वो हमारा साथ दे तो हम आसानी से मैंगिंग माउंटेन्स को पार करके माउंट मैंगिंग सेक्ट को बर्बाद कर सकते हैं। जियो लॉन्ग फोर्टेक्स के बारे में सुनकर मुचेन को ली इन की याद आती है, क्योंकि वो भी जियो लॉन्ग फोर्टेक्स से थी। मुचेन जो से इनके बारे में पूछता है, जो कहते हैं कि ली शान की बेटी का नाम यिन है। ये सुनकर मुचेन खुश होता है। अगली सुबह मुचेन और जियो लॉन्ग फोर्टेक्स में जाते हैं। यिन वहाँ आती है और मुचेन से पूछती है कि क्या तुम हमारे जियो लॉन्ग फोर्टेक्स में शादी करने के लिए तैयार हो। ये सुनकर जो चौंक जाते हैं। मुचेन कहता है कि ऐसा फालतू की बातें करना बंद करो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारा मुरियल्म के डेप्यूटी लीडर जो ये है। यिन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुरियल्म से होंगे। जो कहते हैं कि मुचेन मुरियल्म का यंग लॉर्ड और ये नॉर्थ ईस्ट रीजनल टेरिटोरी का अकेला स्टूडेंट है जिसे 5 ग्रेड एकेडमीज में स्पेशल स्पॉट मिला है। ये सुनकर इन काफी खुश होती है और मुचेन की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि शायद तुम माउंट मैंगिंग सेक्ट की वजह से यहाँ आए हो। मुचेन बताता है कि माउंट मैंगिंग सेक्ट ने हमारे मुरियल्म के बॉर्डर जनरल जियोंग को मार दिया है और हम इसी चीज का बदला लेने के लिए मैंगिंग माउंटेन्स पर आए हैं, मगर माउंट मैंगिंग सेक्ट काफी खतरनाक जगह है और हर तरफ माउंटेन्स है। अगर हम वहाँ गए तो हमें आसानी से मार सकते हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। यिन कहती है कि यांग गुई ने बहुत गलत किया है और जियो लॉन्ग फोर्टेक्स हमेशा से उसके खिलाफ रहा है, पर मेरे डैड मुरियल्म और माउंट मैंगिंग सेक्ट के मैटर के बीच में नहीं आना चाहते। मुचेन कहता है कि क्या तुम तुम्हारे डैड के साथ हमारी एक मीटिंग रख सकती हो। यिन इसके लिए मान जाती है और ली शान को वहाँ लेकर आती
आती है। लीशान कहता है कि इन्हें मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, मगर जियोलॉन्ग फोर्टेक्स मोरियल में और माउंट मेइंग सेक्ट की इस फाइट के बीच नहीं आएगा। जो उसे बात करने लगते हैं, पर मुचेन उन्हें रोक देता है और वो खुद उनसे बात करने के लिए जाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपने सिर्फ आयरन फिस्ट की मदद से जियोलॉन्ग फोर्टेस को बनाया था और आप मेगिन माउंटेन में काफी फेमस हैं, मगर मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने डरपोक होंगे। इस बात से जियोलॉन्ग फोर्टेस के सैनिक गुस्सा हो जाते हैं और मुचेन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन निशान उन्हें रोक देता है। वो मुचेन से कहता है कि मुझे डरपोक कहने के लिए अभी तुम काफी छोटे हो। येन लीशान से कहती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर टेरिटोरी में मुचेन अकेला है जिसे फाइव ग्रेड एकेडमीज में स्पेशल स्पॉट मिला है। लीशान कहता है कि इसका मतलब उसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा, लेकिन जियोलॉन्ग फोर्टेस का लीडर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे फोर्टेस के लोग दूसरे लोगों के लिए अपनी जान गंवाए, इसीलिए मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। मुचेन उसे रोककर पूछता है कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा पावरफुल है, मोरियल में या माउंट मेगिन सेक्ट। लीशान कहता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर टेरिटोरी में सिर्फ लियोरियल में है जो मुरियल में को रोक सकता है, वरना इसके अलावा किसी में दम नहीं है जो मुरियल में को हरा सके। मुचेन कहता है कि अगर इसी बात है तो माउंट मेगिन सेक्ट मुरियल में पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यांग गुई लियोरियल में के साथ मिलकर ये सब कर रहा है, क्योंकि बहुत वक्त से लियोरियल में और मुरियल में के रिलेशन काफी बिगड़ गए हैं। इसीलिए लियोरियल में माउंट मेगिन सेक्ट की मदद से मुरियल में के बॉर्डर पर अटैक करके उसे बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। लियोरियल में की मदद से यांग गुई काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही जियोलॉन्ग फोर्टेस पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लेगा। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा और ये मेरा अनुमान है, लेकिन अगर ये सब सच हो गया तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने लोगों को इस तरह मरने देंगे? ये बातें सुनकर लीशान गहरी सोच में डूब जाता है। वो मुचेन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। मुचेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माउंट मेगिन सेट को बर्बाद करने में आपका जियोलॉन्ग फोर्टेक्स हमारी मदद करे। लीशान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने में कोई समझदारी है, क्योंकि अगर हमने साथ मिलकर माउंट मेगिन सेट को खत्म किया तो इससे लियोरियल में बहुत गुस्सा होगा और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुचेन कहता है कि लियोरियल में ने अपना काम करने के लिए जियोलॉन्ग फोर्टेस छोड़कर माउंट मेगिन सेट को चूज किया, जो मुझे नहीं लगता कि लियोरियल में को आपसे कोई फर्क पड़ता है। अपना काम पूरा होने के बाद वो वैसे भी जियोलॉन्ग फोर्टेस को अपने कब्जे में कर लेंगे। अब आपके पास एक ही मौका है और मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे। लीशान कहते हैं कि अगर हम मोरियल में का साथ देते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। मुचेन कहता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर टेरिटोरी में मैं अकेला हूँ जिसे फाइव ग्रेड एकेडमीज में स्पेशल स्पॉट मिला है, और मैं मुरियल्म को नॉर्थ ईस्ट फ्यूचर टेरिटोरी की सबसे पावरफुल फोर्स बनाऊंगा। अगर जियोलॉन्ग फोर्टेक्स अभी हमारा साथ देता है तो फ्यूचर में उन्हें काफी फायदा होगा। यिन लीशान से कहती है कि मुचेन अभी सिर्फ स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज पर है, पर फिर भी उसे स्पेशल स्पॉट मिल गया तो उसमें जरूर कोई खास बात होगी। मैं स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिड स्टेज पर हूँ, अगर मुचेन ने मुझे हरा दिया तो हमें मुरियल में के फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। लीशान भी इसके लिए मान जाती है। यिन और मुचेन फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। यिन अपने ब्लेड से मुचेन पर अटैक करती है, पर मुचेन अपने शेडो स्टेप 8 की मदद से बच जाता है। यिन मल्टीपल ब्लेड से उस पर अटैक करती है। मुचेन इस बार भी अपने शेडो स्टेप 8 की मदद से उन ब्लेड से बच जाता है और सारी ब्लेड ब्लास्ट हो जाती है। तभी यिन उस पर अटैक कर देती है, पर मुचेन अपनी ब्लेड की मदद से उसे दूर कर देता है। इससे लीशान को पता चल जाता है कि यिन अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रही है। इससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो यिन से कहता है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए अपनी पूरी पावर का यूज करो। तो यिन अपनी मल्टीपल ब्लेड से एक साथ उस पर अटैक कर देती है, लेकिन मुचेन अपनी एम्परर फिंगर 8 की मदद से उन सारी ब्लेड्स को ब्लास्ट कर देता है। मुचेन यिन से कहता है कि अपनी असली पावर का यूज करके मुझसे फाइट करो तो मैं हराकर मैं साबित कर दूंगा कि जियोलॉन्ग फोर्टेक्स मुरियल में पर भरोसा कर सकता है। लीशान कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर यिन तुमने कोई बेवकूफी की तो फ्यूचर में जियोलॉन्ग फोर्टेक्स को काफी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर यिन मुचेन को एक एक मारकर दूर कर देती है और अपनी ब्लेड से उस पर अटैक करती है, मगर मुचेन अपने सेलो डेथ मार्क की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है। इससे यिन बहुत खुश होती है। वो कहती है कि तुम काफी स्ट्रांग हो, पर हम
मेरे इस मुंह से बच नहीं पाओगे। ये कहकर वो अपनी ब्लेड को एक्टिवेट करने लगती है। उसे देखकर लीशान कहता है किस मुंह के लिए, यिन ने अपने पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया, अब यंग लॉर्ड इससे नहीं बच पाएगा। मुझे नॉट फॉर्मेशन के स्टेट में जाकर इस स्पिरिचुअल सील्स को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर लीशान हैरान हो जाता है। यिन कहती है कि तुम स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर भी हो, पर मैं तुम्हें फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का मौका नहीं दूंगी। वो अपनी ब्लेड से उस पर अटैक कर देती है, पर मूचेन उसके अटैक से बच जाता है। यिन अपनी जॉइंट ब्लेड से उस पर अटैक करती है, तभी मूचेन अपने टाइगर फ्लेम स्पीड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और लीशान को पता चल जाता है कि मूचेन हार्ट फॉर्मेशन की स्टेट में जाकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। मूचेन अपनी टाइगर फ्लेम स्पीड फॉर्मेशन से उस पर अटैक करता है, जिससे यिन का अटैक फेल हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यह देखकर लीशान बहुत खुश होता है और मूचेन की तारीफ करने लगता है। वो मुरियल में का साथ देने के लिए भी मान जाता है, जो उसे कहते हैं कि हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और कल ही माउंट मेगिंग सेक्टर पर अटैक कर देना चाहिए। लीशान और जो अटैक के बारे में बात करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। रात को मूचेन अपने रूम में आ जाता है। वो जेड स्पीड फ्रूट को देखते हुए कहता है कि अगर मैं जेड फ्रूट का यूज कर लूं तो मैं 20 स्पिरिचुअल सील बना सकता हूं, मगर अभी यह बहुत खतरनाक होगा। मुझे पहले 9 हेवंस थंडर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का बेस बनाना चाहिए। वो अपने सी ऑफ ची में जाकर 9 हेवंस थंडर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने लगता है, मगर वो फॉर्मेशन बनाने में बार बार फेल हो जाता है। जियोयू कहती है कि मैं कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूं, पर मुझे पता है कि 9 हेवंस थंडर फॉर्मेशन थंडर से एक्टिवेट होती है। थंडर का पहला एलिमेंट स्पीड होता है। लाइट की स्पीड की मदद से तुम जल्दी फॉर्मेशन बना सकते हो। ये सब बातें सुनकर मूचेन को भी थंडर के बारे में कुछ चीजें याद आ जाती है। इसके लिए वो जियोयू को थैंक्स कहता है। फिर हम लियू जोंग और सेनविंग को देखते हैं। वो दोनों माउंट मेगिंग सेक्टर में जाते हैं। वहाँ यांग गुई उन दोनों का स्वागत करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।